हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायल्स पेचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ केसर फिरनी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही नए अंदाज में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क, और इसकी अभी तक मैंने मलाई नहीं उतारी, इसे बॉयल होने के लिए रखा है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप राइस लिए हैं, ये बासमती राइस है, और इसे 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था मैंने। और फिर उसके बाद में पानी निकाल कर इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको दरदरा हम पीस लेंगे। फिरनी के लिए ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसे पीस लेना है। देखिए, इस तरीके का दरदरा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का पीस होना चाहिए राइस का। तो ऐसे पिसे हुए हों तो बिल्कुल बेस्ट है। और फिर उसके बाद में हम इन्हें दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूध में एक बॉयल आने ही वाला है, तभी मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कंटिन्यूस राइस डालने के बाद में चलाना है, वरना ये नीचे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने राइस को पीस कर लिया है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आप यहाँ पर लगातार चलाते रहिएगा। और देखिए, यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा केसर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि केसर फिरनी बना रहे हैं तो ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारी फिरनी का। तो इसे मैंने अलग से दूध में भिगोकर नहीं इसमें डाला है, ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म दूध के साथ में पकेगा, कलर रिलीज़ करता जाएगा और ये येल्लो कलर में बनेगी फिरनी, क्योंकि केसर से येल्लो कलर आ जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा पकेगा वैसे ही इसका येल्लो कलर होता जाएगा। और फिर इसमें 2 इलायची मैंने कूट कर डाल दी हैं, ये ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से चलाते रहिएगा, लगातार आप 15 से 20 मिनट से चलाएंगे तो बहुत जल्दी से ये फिरनी बन जाती है, क्योंकि चावल हमने पीस कर लिए हैं। खीर बनाने में टाइम लगता है, पर फिरनी थोड़ा जल्दी बन जाती है। और देखिए, इस तरीके से थिक होने लगी है। अभी मुझे ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी फ्रेंड्स। पर उससे पहले मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ, जैसे कि पिस्ता मैंने चॉप कर लिया है, काजू लिया है, और साथ ही बादाम भी ले रही हूँ। तो ऑप्शनल है कौन से आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, वो उतना ही टेस्ट आ जाएगा। जो भी आपको पसंद हो आप वो ही ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो बारीक चॉप कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छे से स्मूथ हमारी फिरनी बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छे से चला लिया है, और उसके बाद मैंने देखिए इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि उसमें चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। और इसे अच्छे से हमें अभी चलाना है। ऑलमोस्ट हमारी ये फिरनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें चीनी मिला रही हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पूरा 1 कप भर कर लीजिएगा चीनी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ली, यानी कि 3/4 कप मैं यहाँ पर चीनी इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी भी फिरनी अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार चीनी जब पक जाए तो उसके बाद में आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो चीनी डालकर एक बार पका कर फिर मैंने इसे गैस को ऑफ कर दिया, और फिर फ्रिज में रख कर इसे 1 घंटा रख दिया था, और इसे ठंडा कर लिया है। और देखिए, इतना थिक हो चुकी है थोड़ी देर रखने के बाद में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। यहाँ पर मैं एसेंस ले रही हूँ, तो 4 से 5 ड्रॉप ही काफ़ी हैं। अगर आप केवड़े का पानी ले रहे हैं तो आपको 1 चम्मच डालना पड़ेगा, तब इसका फ्लेवर आएगा। और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद पे आप इसे सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी सी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ड्राई रोज़ पेटल्स ली हैं, ये ऑर्गेनिक रोज़ पेटल्स होती हैं, तो खाई जाती हैं, बहुत टेस्टी लगती है इसे फिरनी। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, और इससे सुंदर तो लगेगा ही, टेस्टी भी लगेगी ये फिरनी। और फिर आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ और भी क्रिएटिविटी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो केक के ऊपर हम डस्ट डालते हैं, जैसे कि गोल्डन डस्ट होती है, वो मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा रिच लुक देने के लिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और देखिए कितनी शानदार हमारी फिरनी बनकर रेडी हुई है। फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी ये सर्व की जाती है। तो इस तरीके से देखिए, इतनी थिक होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इस बार कोई भी गेस्ट आए पहले से ही बनाकर रख दीजिएगा और तब उसे सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी ही सर्व की जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप फिरनी बनाइए, खाइए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, एक बार फिर इसी तरह की क्विक ईजी रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल।